अलीगंज के नए हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का जो पत्र है वो यहाँ पर भेजा गया है। पत्र में जोगिंदर नाम के शख्स का जो है जिक्र किया गया है, जिसके जरिए लिखा गया है कि बस इंतज़ार करिए और 15 अगस्त से पहले जो है जो तमाम प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें मनकामेश्वर मंदिर है, नया हनुमान मंदिर जो अलीगंज का है, इसके अलावा हनुमान सेतु और तमाम जो प्रमुख मंदिर हैं उनका जो है जिक्र किया गया है, और सीधे जो है 15 अगस्त से पहले इनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद तमाम जो मंदिर हैं उनके जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने पुलिस कर्मियों से शिकायत की है, और भारी संख्या में जो पुलिस है उसने यहां सुरक्षा का पूरा जो है जायजा भी लिया है और खुफिया विभाग भी जो है इस पर अलर्ट हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन है, किसी की साजिश है या कोई शरारत, तो ये वो सवाल हैं जिसको लेकर के जो तमाम एजेंसियां हैं वो अब अलर्ट हो गई हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से राजधानी के जो भी प्रमुख मंदिर हैं वहां की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद तमाम मंदिरों में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आप समझिए कि जिस तरह से लगातार जो है इस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं और जो पत्र हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो चिंता बढ़ना जो है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि मनकामेश्वर मंदिर कल सोमवार का दिन होगा, सावन माह में यहाँ पर हजारों संख्या में यहाँ भक्तों की जो है भीड़ रहती है, लिहाजा जिस तरह से ये धमकी भरा जो पत्र है वो यहाँ मिला है तो उसके बाद मंदिर जो प्रशासन है उसकी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा जो तमाम हमारे अधिकारी हैं उनकी भी जो चिंता है वो भी बढ़ गई है, और जाहिर सी बात है कि सभी मंदिरों पर ये कोशिश की जा रही है कि जो सुरक्षा है उसका व्यापक जो है इंतजाम किया जा सके। हमारे साथ खुद यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर की जो महंत हैं दिव्यागिरी जी वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है पत्र मिलते ही जो है पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की है, हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या किस तरह का पत्र आया है यहाँ पे, उसके बाद आपने शिकायत की? जी वैसे तो व्यक्तिगत पत्र नहीं है, उसमें 10 हजरात हिंदू को संबोधन करते हुए है, परंतु सब कुछ माहौल देखते हुए या सामान्य भीड़ को देखते हुए एहतियातन हम लोगों को सुरक्षा या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको जरूर दुरुस्त कर लेना चाहिए। किस तरह कैसा जिक्र किया गया, क्या मंदिर का नाम जिक्र लिया गया है, जैसे कल हनुमान मंदिर के लिए कहा गया अलीगंज में भाई वहाँ जो है बम से छोड़ा देंगे, 15 अगस्त से पहले हम धमाके करेंगे, यदि जो लखनऊ में पकड़ेगा आतंकी है वो नहीं छोड़े जाते तो? देखिए जो अल्टीमेटम है वो है 14 तारीख तक कि 14 तारीख तक अगर जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम जो बड़े मंदिर हैं 10 का जिक्र है उसमें कि 10 बड़े मंदिर को और उससे जुड़े जो हिंदू लोग हैं उसके उनकी लैंग्वेज में 10 हिंदू हाजरात उनको हम उनका गला हम चाकू से रेत देंगे, ऐसा करके उसमें जिक्र है। परंतु ये विषय प्रशासन का कि वो देखे कि उसमें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है, फिलहाल चूँकि मंदिर और सावन के हिसाब से तो भीड़ अत्यधिक रहती है तो ये एक बनता है बिंदु की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली जाए। कल सोमवार है, सावन माह में यहाँ पे हजारों भक्तों की भीड़ रहती है, तो ऐसे में एक दिन पहले इस तरह से पत्र आना है धमकी मिलना कितना सीरियस आप मान रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि पूर्णतया सत्य ही होगा या पूर्णतया झूठी होगा, परंतु कहीं ना कहीं मन में तो एक भ्रम डाल ही देता है आम जनता के प्रति भी और हम लोगों पे कि किस तरह हम लोग क्या व्यवस्थाएं कर ले जाएं, किस तरह संसाधनों को और जुटा के उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो, इस पे हमें लगता है सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। आपने शिकायत भी की तो क्या यहाँ पे अधिकारी या पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने कोई जांच वाच की या कुछ बात? हाँ कल तो पुलिसकर्मी थे मुस्तैद थे, आज मुझे लगता है लेट है या जो भी रीजन हो आज तो नहीं दिख रहे हैं। आपको लगता है कि जो पुख्ता होनी चाहिए सुरक्षा यहाँ पर प्रशासन द्वारा वो यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित मंदिर बहुत दूर दूर से आते हैं और सोमवार को तो हजारों का जो है? हाँ कल के दिन मुझे थोड़ा सा अंदेशा है और थोड़ी सी चिंता भी है कि कल के दिन सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ेगी। एक और कोई नाम भी जिक्र किया गया? नाम कोई इंतजार करके है, साइन में है इंतजार करके,
और ये है कि 14 तारीख तक उसमें डेट दिया गया था कि 14 तारीख तक अगर उन लोगों को जो गिरफ्तार है उनको नहीं छोड़ा गया तो 10 बड़े मंदिरों को हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे। यानी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जो है धमकी भरा पत्र आया है, जाहिर सी बात है कि यहाँ की चिंता करना स्वाभाविक है। लिहाजा पुलिस प्रशासन से जो है अपील की गई है, खासकर सावन माह है और सोमवार को यहाँ पे हजारों भक्तों की जो भीड़ है वो रहती है तो सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। तो लिहाजा मांग की गई है पुलिस कर्मियों से, अधिकारियों से कि मंदिर जो प्रांगण है और मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए। बहरहाल अभी जिस वक्त मैं मंदिर में मौजूद हूँ तो यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक दिन पहले जब पत्र आता है धमकी भरा, उसके बाद आखिर पुलिसकर्मियों की तरफ से लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हमने सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो तमाम मंदिरों में की है। कैमरा पर्सन साधन कुमार, समाचार लखनऊ।